अचानक आपको एक एड दिखाई देता है जिसमें लिखा है कि आपको एक हाई प्रोफाइल महिला को प्रेग्नेंट करना है। ये वो लड़कियां होती हैं जो तलाकशुदा या बड़े बड़े घरों की हाउसवाइफ होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। इसलिए ये लड़कियां हमारी एजेंसी से संपर्क करती हैं और हम आप जैसे कस्टमर से संपर्क करते हैं। तो अगर आप मैडम को प्रेग्नेंट करते हैं तो आपको 13 लाख रुपए मिलेंगे और अगर नहीं कर पाते तो भी आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए बस आपको शुरुआत में 799 का रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा। अब ऐसा एडवर्टीजमेंट देखकर कई लोग इस तरह के झांसे में फंस जाते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम पर सैकड़ों लोगों से ठगी करने का एक बड़ा नेटवर्क सामने आया है। इस ठगी के नेटवर्क का बिहार के नवादा जिले की साइबर थाने की पुलिस ने खुलासा किया है। आखिर ये नेटवर्क कैसे चल रहा था, कैसे लोगों को झांसे में लिया जा रहा था, चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। बिहार के नवादा जिले का एक छोटा सा गाँव है गुरमा गाँव। इस गांव से थोड़ी दूरी पर घने जंगल हैं और घने जंगलों के बीच के बने खेतों में एक कॉल सेंटर बनाया गया था। 2 साल से ये कॉल सेंटर धड़ल्ले से चल रहा था। इसमें 40 से 50 लड़कों को ट्रेनिंग देकर ड्यूटी लगाई गई थी। ज्यादातर लड़के कम पढ़े लिखे थे, कुछ अनपढ़ थे, लेकिन इनकी ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त थी कि देश के कोने कोने से लोगों को ये अपना शिकार बना रहे थे। अब तक की जांच में ये पता चला है कि हजारों लोगों को शिकार बनाया गया और उनसे 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की गई है। इस गैंग का पूरा खुलासा करने वाली टीम का नेतृत्व नवादा साइबर सेल के DSP कल्याण आनंद ने किया। उनका कहना था कि साइबर ठगी का ये बेहद अनोखा मामला है, ऐसा मामला पहले कभी नहीं सुना गया, जिसमें लड़कियों को प्रेग्नेंट करने के नाम पर युवाओं से लाखों रुपए की ठगी की गई है। इस केस में पुलिस की कार्रवाई में 8 साइबर ठगों को अरेस्ट किया गया है। हालांकि इस प्लान का मास्टरमाइंड मुन्ना अपने कई साथियों के साथ फिलहाल फरार है, लेकिन अब तक ये पता चला है कि ये लोग लोगों को फंसाने के लिए फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एड्स को प्रमोट करते थे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस तरह से ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम पर फेसबुक पर कई पेज हैं। ये लोग इसका हेड ऑफिस मुंबई बताते थे और नंबर ये इस्तेमाल करते थे महाराष्ट्र का या उसके आसपास के इलाकों का। इसके बाद ये फेसबुक पेज को गूगल और सोशल मीडिया एड्स पर प्रमोट कराते थे, जिससे लोग खुद ही झांसे में आ जाते थे। फेसबुक पेज पर लड़कियों के फोटो से लेकर उनके वीडियो भी डाल दिए जाते थे, जिससे लोग आसानी से झांसे में फंस जाते थे। अब होता यह था कि जैसे ही कोई व्यक्ति इस तरह के एड देखता था तो वो उसमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करता था, तब कॉल सेंटर से तुरंत उसे रिप्लाई दिया जाता था। इसमें ये बताया जाता था कि आखिर ये प्रेग्नेंट सर्विस क्या है। ये लोगों को कन्विंस करते थे कि बड़े बड़े घरों की लड़कियां हाउसवाइफ जो होती हैं, जिनके बच्चे नहीं हो पाते, या फिर कोई डाइवोर्स या तलाकशुदा महिला हमारी कंपनी में आती है, उन्हें प्रेग्नेंट कराने की सर्विस दिलाने के लिए हम आप जैसे कस्टमर को नौकरी पर रखते हैं, जिसमें आपको मैडम को प्रेग्नेंट करना होता है। अगर आपने मैडम को प्रेग्नेंट कर दिया तो आपको 13 लाख रुपए दिए जाएंगे। यदि आप प्रेग्नेंट नहीं कर पाए तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो अगर आप इस तरह की सर्विस से जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, साथ में एक फोटो और रजिस्ट्रेशन फीस 799 रुपए। अब जैसे ही कोई लालच में आकर 799 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन करा देता था, उसके बाद ये ठगी का दूसरा रास्ता अपनाने लगते थे। ये लड़कियों के फोटो भेजते थे, ये फोटो भी सोशल मीडिया से कॉपी की जाती थी, उनकी मीटिंग फिक्स कराने का झांसा देते थे। जैसे ही वो तैयार हो जाता था तब सिक्योरिटी मनी और GST चार्ज के नाम पर ये लोग उनसे 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए मांग लिया करते थे। इसके अलावा कई लोगों से उनके सीमेंट टेस्ट के नाम पर भी एडवांस में पैसे ले लिए जाते थे। अब एक बार पैसा लेने के बाद ये लोग उसका नंबर ब्लॉक कर देते थे, तब जाकर लोगों को पता चलता था कि उनके साथ धोखा हुआ है। लेकिन फिलहाल कुछ लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि ऐसी साइबर ठगी का पहली बार ये मामला सामने आया है, ऐसे ठगों से बचने की जरूरत है। जाहिर है कोई महिला खुद को प्रेग्नेंट होने के लिए ऐसे किसी एजेंसी या सोशल मीडिया पर किसी से संपर्क नहीं करेगी, इसलिए लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। इस गैंग को मुन्ना चला रहा था, जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन कहीं बाहर से ट्रेनिंग लेकर आया था और फिर ये लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग देकर पूरा का पूरा इसने यहाँ पर कॉल सेंटर शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे किसी भी झांसे में ना आए। अगर आपको इस तरह का एड दिखाई देता है तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलते हैं नवीन खबर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।